नमस्ते एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है प्रीएम्बल या फिर संविधान की प्रस्तावना। आज संविधान की प्रस्तावना के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी लेकर के आपके बीच में आई हूँ। प्रीएम्बल का मतलब होता है, प्री मींस बिफोर एंड एम्बल मींस होता है वॉक। हम किसी भी चीज़ की पूर्व तैयारी, जैसे कि हम अपने किसी भी चीज़ को लॉन्च करते हैं तो हम उससे पहले उसको देखते हैं कि जो है उसका कवर कैसा है। उसके बारे में कवर से ही हम जज कर लेते हैं कि उसके अंदर क्या होगा। ऐसे ही प्रीएम्बल जो है वो हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जिस्ट है, जिससे कि हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है इसको हम जज कर सकते हैं। तो प्रीएम्बल या फिर प्रस्तावना एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है और उसमें क्या क्या लिखा है उसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन देती है। जो हमारा प्रीएम्बल है वो पहले ड्राफ्ट नहीं किया गया था और लास्ट में, सबसे लास्ट में जो है वो प्रीएम्बल को ड्राफ्ट किया गया था JL नेहरू जी के द्वारा। और प्रीएम्बल को हमने 2 नवंबर 1946 को जो है वो अडॉप्ट किया था। और पंडित ठाकुर दास भार्गव ने जो है वो इसके बारे में लिखा है कि प्रीएम्बल इज द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज द ज्वेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें ऐसा क्या चीज़ है जिसको उसको इतना ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण कहा जाता है। और प्रीएम्बल को डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने भारतीय स्टेट्स को क्या कहा है, सॉवरेजिन कहा है, सोशलिस्टिक कहा है, सेकुलर कहा है, डेमोक्रेटिक कहा है और रिपब्लिक कहा है। ये चार शब्द जो हैं वो 42th अमेंडमेंट के द्वारा जो है वो जोड़े गए हैं। और इसमें तीन तरह की जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, सोशल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीन तरह। और स्वतंत्रता है वो पांच तरह की है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और इसमें इक्वालिटी दो प्रकार की मेंशन है प्रीएम्बल में, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। संविधान की प्रस्तावना न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ A.N. पालिका ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र भी कहा है। अब संविधान की प्रस्तावना को वर्ड टू वर्ड समझते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली और बंधुत्व को बढ़ाने वाली ये लिए दृढ़ संकल्प हो करके इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब इसमें टर्म आया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत अपने सभी डिसीजंस को, सभी जितने भी निर्णय हैं उनको लेने के लिए स्वतंत्र है और वो किसी भी अन्य देश का डोमेनियस नहीं है, किसी भी देश पर निर्भर नहीं है। समाजवादी का मतलब है कि जो भी अवसर हैं वो सभी को समान रूप से प्राप्त होंगे, यहाँ के संसाधनों का उपयोग सभी लोग कर सकते हैं, सभी लोग समान है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है आर्टिकल 25-28 में भी जो है वो संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है और वही टर्म पंथ निरपेक्ष है या सेकुलर है कि भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, वो किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म का फेवर नहीं करता है, वो सभी धर्मों का
बराबर से सम्मान करता है। लोकतंत्रात्मक है, लोकतंत्रात्मक है मतलब कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है मतलब कि सभी लोग उच्च स्तर तक आ सकते हैं। यहाँ पर राजशाही नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जिसमें भी योग्यता है वो उच्च पद पर आसीन हो सकता है। और गणराज्य, गणराज्य का भी मतलब यही है कि यहाँ पे जो है वो वंशानुगत नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है सरकार जो है वो लोगों के द्वारा ही चुनी जाएगी और लोगों के द्वारा ही चलाई जाएगी। डेमोक्रेसी जो है इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों द्वारा ही चलाई भी जाती है। तीन तरह का न्याय दिया जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। और बंधुता को बढ़ाने के लिए, बंधुता मतलब कि देश प्रेम को बढ़ाने के लिए, भाईचारे को बढ़ाने के लिए संविधान सभा ने इसको 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट किया था। आशा करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा शॉर्ट सा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।